Samsung Galaxy F34 ये लेटेस्ट ऑप्शन है फ्रॉम दी Samsung. लॉन्च हुआ है इसका जो बेस प्राइस वेरिएंट 19,000 का. और अगर आप Samsung की वेबसाइट से लेते हैं और लाइक HDFC या किसी बैंक का कार्ड लगा लेते हैं तो आपको ये फ़ोन फ्लैट 2,000 रुपीज़ ऑफ में यानी कि 17,000 का मिल सकता है. आप इस प्राइस रेंज के हिसाब से मैं 50-50 में हूँ. कुछ लोगों के लिए तो इस प्राइस में वन ऑफ दी बेस्ट फ़ोन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है. सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. फटाफट आपको पहले अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ क्योंकि बॉक्स में कुछ दिखाने लायक कहीं नहीं, तो 30 सेकंड के लिए हम ये भी कर लेते हैं. देखो यहाँ पे फ़ोन था वो मैंने बाहर निकाल लिया है. इनसाइड कोई केस नहीं मिलेगा. अगर आपको इसका लग रहा हो कि शायद केस हो, केस नहीं है, लेकिन एक आपको चार्जिंग केबल मिली है. अब यहाँ पे देखिए बेस्ट पार्ट क्या है कि Type-C to Type-C है. बैड पार्ट क्या है, बॉक्स में कोई भी चार्जर नहीं है. तो अगर आप पहली दफ़ा स्मार्टफोन चला रहे हैं तो 1500 रुपये आपको और ऐड करना पड़ेगा. दो कलर में ही आपको फ़ोन मिलता है, मैंने ग्रीन कलर का मंगाया है और एक ब्लैक कलर भी आता है. दिखने से गाइस ये बहुत ही प्रीमियम लगेगा. लाइक अगर आप आउटडोर में देखते हैं ना तो दूर से तो लगेगा ही नहीं कि आप कोई सस्ता सैमसंग का फ़ोन चला रहे हैं, एकदम महंगी वाली फीलिंग आएगी. बट इवेंचुअली ये प्लास्टिक है, यहाँ पर बहुत सारे फिंगरप्रिंट मार्क्स आप देख सकते हैं ग्लॉसी डिज़ाइन में. अब यहाँ पे सैमसंग ने बेस्ट पार्ट क्या किया है कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है. थोड़ा सा यहाँ पे डिज़ाइन चेंज ये किया गया कि फ़ोन स्लाइटली कर्व बनाया गया है और फ़ोन गाइस थोड़ा सा हैवी भी है. ऑन दी एसेंशियल्स यहाँ पे हेडफोन जैक है, सिंगल बॉटम स्पीकर है, ये फर्स्ट कॉम्प्रोमाइज़ आपने देख लिया. राइट साइड यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, ये सेकंड कॉम्प्रोमाइज़ है. कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए भी है. मेरे लिए आई थिंक साइड में ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा दिन आप ऐसे ना स्ट्रेच करके लाएँ. तो डिपेंड्स ऑन लाइक किस कैटेगरी के यूज़र हैं. ओके, ऑन टॉप यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम बटन है. इस साइड यहाँ पे सिम ट्रे स्लॉट है जहाँ पे आप 2 5G SIM लगा सकते हैं या 1 5G SIM और 1 SD कार्ड लगा सकते हैं. फोन होल्ड करने में गाइस कंफर्टेबल आपको लगेगा बिकॉज डिज़ाइन ऐसा बनाया गया. बस वेट एक कंसर्न हो सकता है, अगर आप ज़्यादा इसको पॉकेट में रख के टहलेंगे तो शायद आपको फील रहेगा, या लॉन्ग कॉलिंग पे रहते हैं तो आपको फील हो सकता है. मेरा फ़ोन पहले से आप देख सकते हैं डैमेज सॉर्ट ऑफ है बिकॉज हमने इसका डॉक्टर सब कुछ कर रखा है. तो फ़ोन इवेंचुअली ड्यूरेबल भी है, फ़ोन पे GG5 की प्रोटेक्शन मिलती है. स्क्रीन इसलिए क्रैक हुई बिकॉज फ़ोन का वेट ज़्यादा था. अब डिस्प्ले में देखिए दोनों बातें हैं, प्लस माइनस दोनों हैं. जो बातें मिले ख़राब लगी पहले आपको मैं वो बता देता हूँ बिकॉज अच्छी चीज़ें बाद में रखनी चाहिए. जैसे कि यहाँ पे इन्फिनिटी यू कटआउट है, कोई बिग डील नहीं है. सैमसंग 30-32 हज़ार के फ़ोन में भी वही चीज़ देती. यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी यू कटआउट दिया गया, ये गैलेक्सी A34 है. बॉटम में चिन काफ़ी बड़ी दी गई है. लाइक अगर आप कुछ और फ़ोन देखते हैं जैसे कि पोको X5 Pro ले लीजिए, रेडमी का फ़ोन ले लीजिए, वो 15,000 के आसपास आता है. उसमें आपको बढ़िया वाले सेंटर पंच होल एंड मस्त वाले एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं. अब यहाँ पे अच्छी बात कर लेते हैं, डिस्प्ले यहाँ पे एमोलेड है. सेकेंडरी बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे 1000 nits की पीक ब्राइटनेस दी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा है. इस प्राइस से आपको बहुत से फ़ोन मिल जाएंगे जो आपको LCD पैनल प्रोवाइड करते हैं. ऑन दी अदर गुड फैक्टर्स यहाँ पे आपको 120Hz का डिस्प्ले मिलता है. दिखने में ये डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट एंड ब्यूटीफुल है, इंडोर आउटडोर कहीं भी देखेंगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं लगने वाली है. जस्ट यहाँ पे आपको ये नॉच और बेजल्स के बारे में देखना है. अनदर कॉन्स यहाँ पे ये है कि यहाँ पे कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं दिया गया. फॉर द CPU यहाँ पे आपको एक्सीडोस का 1280 CPU मिलता है एंड ये नया CPU नहीं है. लास्ट ईयर में सैमसंग ने जो प्रीमियम फ़ोन लॉन्च किया था A सीरीज का, जो आपको मिलता था 30-35 हज़ार में, उसमें ये CPU दिया गया था. वही CPU वापस सैमसंग ने थोड़े से कम प्राइस में दे दिया. तो यू सी जिन्होंने A53 लिया होगा बेचारे कितने ठगे हुए फील कर रहे होंगे कि हमने 35,000 का फ़ोन लिया और वही चीज़ यहाँ पे 17,000 में मिल ली. सो ऐसा होता है. तो वैसे तो गाइस कैजुअल यूसेज के लिए ये फ़ोन तो मुझे ठीक लगा. लाइक हल्का सा आप देखेंगे यहाँ पे एनिमेशन है, थोड़ा सा यहाँ पे लैग भी होता है. लाइक आप ज़्यादा एप्लीकेशन लॉन्च कर लें या कुछ कर लें तो ये चीज़ें होती है. मेमोरी वेरिएंट सैमसंग के फ़ोन में बहुत ही अच्छी होती है, ये तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ. लाइक जो भी एप्लीकेशन आप लॉन्च किए होते हैं वो आराम से आपके मेमोरी में मिल जाते हैं, तो उस बात की तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है. और 5G के यहाँ पे 11 बैंड्स हैं, LTE प्लस का भी सपोर्ट मिलता है. 5G प्लस गाइस मैंने तो नहीं देखा अभी तक. अगर आप सेटिंग्स में जाते हैं कॉल में तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है जो साइलेंटली रिकॉर्ड करता है सैमसंग में, ये भी चीज़ अच्छी है. वाईफाई कॉलिंग तो ऑफ कोर्स आपको मिलती है, कॉल ब्लॉकिंग स्पैम वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी मिलती है. ये सभी तो अच्छी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं यू नो फॉर दी परफॉर्मेंस और चीज़ों को लेके. अगर आप थोड़े से प्रो बनते हैं लाइक अगर आप BGMI पे ही स्टार्ट कर लेते हैं
उसी की बात में करना चाह रहा था। जो यहाँ पे गेम की सेटिंग दी गई है वो बेसिक सेटिंग है, इस तरह की सेम सेटिंग आप आसानी से 15-16 हज़ार क्या 15 हज़ार के अंदर के फ़ोन में पा सकते हैं। वैसे ये भी 17 हज़ार का है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बहुत बेटर आपको सेटिंग ही मिली। इससे बेटर सेटिंग आपको मिल सकती है अगर आप लास्ट ईयर के कुछ थोड़े से ना पुराने डिस्काउंटेड फ़ोन ले लेंगे, जो जिसमें स्नैपड्रैगन 778G है, इस टाइप के CPU मिल जाते हैं ना, या डायमेंसिटी 920, वो और आपको थोड़ा अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं। गेमिंग करते वक्त यहाँ पे लैग तो काइंड ऑफ नहीं मानी, क्योंकि जो सेटिंग दी गई है वो तो ऑप्टिमल सेटिंग है, ठीक ठाक ही चल जाता है, एक आधी बार लैग आ जाता है, लेकिन वैसे यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा आपको हीटिंग यहाँ पे लगेगी अगर आप जैसे आधे घंटे से ज़्यादा प्ले कर लेते ना, हल्की सी हीटिंग इशू फील हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इवेंचुअली ये फ़ोन गेमर्स के लिए तो नहीं बना है, तो ये इसकी एक प्रॉब्लम है, तो आपको देखना पड़ेगा। अगर आप कैजुअल गेमिंग करते हैं तब तो आपके लिए फ़ोन परफेक्टली ओके है। देखा जाए तो सैमसंग में बहुत सारे एप्लीकेशन पहले से ही आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं, जैसे कि ये जो आप इतने यहाँ पे गेम्स देख रहे हैं ना, ये मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, लाइक फ़ोन पे, 1MG, स्नैपचैट, ये सारे के सारे यहाँ पे पहले से मिले हैं। मैंने बस BGMI N2, ये जो 4-5 एप्लीकेशन है जो मैंने काम वाले वो इंस्टॉल कर रखे हैं, ट्रू कॉलर वो सारी चीज़ें दी गई, लेकिन गुड पार्ट क्या है कि आप सारी चीज़ें यहाँ से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सैमसंग पास तो बिल्ट इन है तो वो तो आप नहीं कर पाएंगे, और माइक्रोसॉफ्ट के कुछ एप्लीकेशन है, वन ड्राइव अगर आप यूज़ करते हैं, आउटलुक, ये सारी चीज़ें, और सैमसंग के जावावर के एप्लीकेशन यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं। सेकंड, यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो आपको दिखाई पड़ सकता है वो है सॉफ्टवेयर के लेके। ये डिवाइस एंड्रॉयड 13 से आउट ऑफ द बॉक्स है, और इस डिवाइस को 4 मेजर वर्जन ऑफ एंड्रॉयड मिलेगा, यानी कि एंड्रॉयड 17 देखी जा सकती है। लेकिन सवाल गाइस ये उठता है कि क्या 4 साल बाद ये जो CPU है ये इस फ़ोन को हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आई थिंक प्रॉब्लम करेगा, मैक्स टू मैक्स ये फ़ोन 2 साल और बड़े ही आसानी से चलना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बाकी कूल सॉफ्टवेयर कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। अब गाइस मेन स्टफ पे आ जाते हैं, कैमरा, जो आई थिंक इस फ़ोन का वन ऑफ दी बेस्ट USP है। अब यहाँ पर जो फोटोज़ की क्वालिटी आ रही ना वो मुझे ठीक लग रही है। लेकिन अगर आप सैमसंग का फ़ोन चला रहे हैं या आपने सैमसंग के फ़ोन के शॉट्स देखे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। लाइक सैमसंग की टेंडेंसी आप जानते हैं, थोड़े से ओवर सैचुरेटेड, वाइब्रेंट, कलरफुल शॉट्स दिखाने की कोशिश करता है, जो कि लोगों को अच्छी भी लगती है। आई थिंक तभी शायद सैमसंग ऐसे करते हैं कि स्काईज बहुत ब्लू हो जाती हैं और वो सारी चीज़ें, थोड़ा सा ना बेटर पोर्ट्रेट लुक ज़्यादा देने की कोशिश की जाती है, पर डिटेल्स अच्छे हैं, कलर्स अच्छे हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। 50MP मोड में मिलेंगे तो भी आपको डिटेल अच्छे खासे मिल जाते हैं। यहाँ पे जो लो लाइट की परफॉर्मेंस है वो भी मैं कहूँगा ठीक है, उतनी बैड नहीं है, बिकॉज OIS है, तो आप अगर नाइट मोड भी यूज़ करते हैं, भले 1-2 सेकेंड लगता है फोटो सेव होने में, तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है। एंड जो 8MP का अल्ट्रावाइड दिया गया है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक है, लाइक नॉट बैड। जनरली जो हम 8MP अदर फोन्स में देखते हैं, मुझे लगता है उससे तो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर ही रहा है। मे बी लाइक सैमसंग ने थोड़ा सा जो कैमरा होता है उसको थोड़ा सा बेटर ऑप्टिमाइज़ किया, शायद इस वजह से ये चीज़ है। एंड वीडियोज़ की बात करें तो आप इस फ़ोन से 4K 30fps के वीडियो बना सकते हैं, ये कूल पार्ट है। बहुत से फ़ोन आपने ऐसे देखे होंगे जैसे कि OnePlus के जो फ़ोन, या जैसे C2 Lite जिसमें स्नैपड्रैगन 695 वाले CPU आए थे ना, जो जस्ट 1080p बना पाते थे, लेकिन यहाँ पे आप 4K 30fps के वीडियो बना सकते हैं जिसकी क्वालिटी ठीक है, और OIS इसका बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको नहीं लगेगा कि फ़ोन में जरा सा भी लैग है, मस्त वो चलता है। फ्रंट कैमरे में आपको इस बार थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, यहाँ पे कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं दिया गया, जस्ट यहाँ पे Full HD 30fps का सपोर्ट दिया गया है, और थोड़ा सा मुझे यहाँ पे लग रहा था कि ये हल्का सा थोड़ा सा से फ्रेम ज़्यादा टाइप का हिल रहा है। जैसे आप लुक देख सकते हैं, कलर देख सकते हैं कैसा आ रहा है, इसका वीडियो सैंपल है, तो सेल्फी भी देख सकते हैं, सेल्फी भी ठीक आ रही है, नॉट दैट बैड। लाइक थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्किन में यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, जैसे थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। तो कैमरे के टर्म में गाइस मुझे तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि इस प्राइस का वन ऑफ दी बेस्ट कैमरा फोन आप मान सकते हैं। 15-17 हज़ार, अगर आप 17 हज़ार आपका मैक्सिमम बजट है, तो इससे बेटर कैमरा फोन आपको नहीं मिल पाएगा इस प्राइस सेगमेंट पे। हेडफोन से अगर आप क्वालिटी सुनेंगे ना, लाइक हेडफोन जैक लगा के, तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको मिलती है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट यहाँ पे आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलता है। इवन फुल वॉल्यूम पे भी सुनने में मुझे ऐसा नहीं लगा कि स्पीकर्स की क्वालिटी बेकार है। लाइक सिंगल स्पीकर भी
बहुत ही लाउड है। ड्यूअल होते तो एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाता, लेकिन एज यू नो सैमसंग बहुत ज़्यादा कट शॉट ऑलवेज करती है, तो स्पीकर की क्वालिटी भी यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे मजे की बात क्या है कि आपको 6000 mAh की बैटरी मिलती है, बॉक्स में कोई चार्ज नहीं दिया है, तो आप उसका जुगाड़ पानी कर लीजिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास चार्जर वार्जर होगा। 25W का ये मैक्सिमम सपोर्ट करता है, 1.5 घंटे लग जाते हैं फ़ोन को फुल चार्ज करने में। एक कॉन्स ये भी लगती है, सैमसंग के फ़ोन बहुत जल्दी हीट होते हैं चार्ज करने में, तो कोशिश ये करिएगा कि 80% के आसपास चार्ज किया करिएगा। सैमसंग के फ़ोन में ये जुगाड़ होता है कि आप 80% तक लिमिट कर लीजिए, तो उससे बैटरी लाइफ थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्चुअल बैटरी बैकअप की बात करते हैं, अब इस फ़ोन में ये बहुत ही जल्वेदारी चीज़ है, बैटरी बैकअप इसका बहुत ही अच्छा मिलता है। लाइक मैंने इसको 5-6 days यूज़ किया, तो एक बार आपने फुल चार्ज करी ना, तो 2 दिन तो आप हैवी से जो फोन निकाल सकते हैं। अब बिग क्वेश्चन गाइस एट द लास्ट, क्या आप इस फोन को बाय करें या ना बाय करें? अब यहां पे आपको एग्जैक्टली ये देखना पड़ेगा कि आप किस तरह का फोन चाहते हैं। मैं 2 कैटेगरी में ऑलवेज बांटता हूँ। अगर आप जस्ट बेसिक कैजुअल यूजर हैं जो फोन को लाइक कॉलिंग, टेक्सटिंग और सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, वॉचिंग यूट्यूब वीडियोस इन पर्पज़ के लिए लेते हैं, तब तो ये फ़ोन ऑलमोस्ट सारे टास्क बड़े आसानी से कर सकता है। उसके लिए यहाँ पे एडिशनल फीचर्स भी दिए गए, जैसे कि एमोलेड डिस्प्ले, ब्राइट भी काफ़ी है, बैटरी काफ़ी बड़ी है, डाउन नहीं होगी, चलती रहेगी, हेडफोन जैक भी दे रखा है अगर आप उससे सुनते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं। थोड़े से आप प्रो यूज़र हैं लाइक गेमिंग के लिए ले रहे हैं, तो आई थिंक आपके लिए ये फ़ोन बेटर नहीं है। आप कुछ फ़ोन्स ले सकते हैं जो लास्ट ईयर के हैं या थोड़े से पहले लॉन्च हुए हैं लाइक 6 मंथ के उससे बिफोर के, जैसे कि रियलमी 9SE, स्नैपड्रैगन 778G वाला है, ओप्पो X5 Pro, वो भी 20 के अंदर मिलता है, स्नैपड्रैगन 778G है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी कंसर्न उसमें था, वो बात आप ध्यान में रखिएगा। Moto G2 भी आपको 20 का मिलता है, Nord C3 Lite भी है, लेकिन उस समय कॉम्प्रोमाइज़ आपने देखे हैं लाइक CPU थोड़ा वीक तो है ही है, डिस्प्ले उतना बेटर नहीं है OnePlus में, लेकिन सॉफ्टवेयर स्मूथ है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें फिक्स की गई हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कट शॉट आपको दिखाई पड़े जो आपको मैंने पहले ही बताया है। तो आई थिंक ज़्यादातर जनता के लिए ये फ़ोन तो ठीक रहेगा जो जस्ट कैजुअल यूज़र हैं। ये तो थे गाइस मेरे थॉट्स विद द गैलेक्सी F34। एक्सक्लूसिव ये ऑनलाइन ही मिलता है, आपको ओनली फ्लिपकार्ट से या सैमसंग की वेबसाइट से ही बाय करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, सी द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।